यार सुग्री, तूने यहाँ काम करने का मन बना लिया है? मामला खत्म करते हैं। ये कार बीच में खड़ी कर और फिर ए, कोई भी अगर किसी ने भी कदम भी बढ़ाया तो बिना पैरों के रेंगते हुए वापस जाओगे। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? चलो भागो यहाँ से। चल मुझे दो सवालों के जवाब चाहिए। पहला, किसे अस्तु ने किडनैप किया है? वह जिंदा है या नहीं? अगर है तो कहाँ है? बस उसका स्केच मिला था, कुछ दिन हमने उसे फॉलो किया, हमारा बस इतना ही काम था। ये तो बहुत फास्ट निकला। अरे अब जाने दे, इस मैटर में उसका ज्यादा रोल नहीं है। ये छुपा छुपी का खेल मैंने ही तैयार किया है। तू एक काम कर, शाम के 6 बजे जय हिंद मार्केट आ जा, तेरी पत्नी तुझे मिल जाएगी। वकील मैडम। मैंने सुना है कि जॉन जमानत पर रिहा हो गया। हाँ सही। फिर तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अरे छोड़ो, ये उसी औरत का बेटा है जो गलती से मारी गई। चल निकल जा यहाँ से, वरना तुझे भी काट डालूंगा। कैसे हो जॉन बेटा? थोड़ा बुखार है, बाकी ठीक है। तो चलो बेटा, चलकर डॉक्टर से दिखा। बाद में देखते हैं, चलो कार में। क्या है? Thank you.
जीभ दिखा रहा है तेरी तो। अच्छा वही है जिसने जॉन को मारा है साहब। इसने मारा? पहले इसने खतरनाक कुत्ते के मुंह में चाकू डाला, फिर उसी चाकू से इसने जॉन के हाथ को जख्मी किया और 7 दिन बाद जॉन की मौत इन्फेक्शन से हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? गिरी। कहाँ के रहने वाले हो? पुल्लू। तो ये पुल्लू का गिरी है। चलो साइन करो, चलो। गांधीयूर के त्योहारों की कहानियों के अलावा इस संस्कारी शहर थिसुर की एक अलग कहानी भी है। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो बाहुबलियों से टक्कर लेता था। थ्रिसिवापेरूर जब थिसुर बना, यहां जिंदगियों का नहीं बल्कि मौत का खेल खेला जाने लगा। ये सब वेदांता के नाम से हो रहा था। ये एक त्योहारों का सत्र है। यहाँ के लोगों में क्रोध बसा था। ये सत्र था जब अपनी रक्षा के लिए किसी ने शस्त्र उठाया। ये सत्र था पुल्लू गिरी का, जो बाद में शहर का एक अहम हिस्सा बन गया।
भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे, बेटा, बेटा, बेटा क्या हुआ? बेटा, बेटा। देर हो गई ना? नहीं, सब ठीक है? हाँ, आ जाओ। हाँ। क्या बात है जॉय सर, मैडम भी साथ आई है। हमारी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है। नारायण साहब को स्पेशल चाय पिलाओ। उसने तैयारी कर ली है ना? हाँ। वो बहुत टेंशन में थी, उसने सुबह मुझे बताया था। ये तूने क्या किया? शिट। भाई गलती हो गई, सॉरी। क्या सॉरी, चाय गिरा के बोलते हो सॉरी? ए छोड़ ना, वो तुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया ना, चल जाने दे। मैं तेरे सर पे चाय डाल के देखूं क्या? हाँ? चल यहाँ से निकल, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझा? क्या बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ रहते रहे तुम लोग? यहाँ के गुंडा बनता है, चल बैठ। अरे भाई, भाई झगड़ा मत करो। रुको अंकल, सुन बेटा, ज्यादा हीरो बना ना तो तेरी फोटो पे हाथ टांग के दीवार पे लटका दूंगा, समझ गया? अरे कोई झगड़ा थोड़े ना, सब ठीक है। अरे आप बैठो चाची, आप भी बैठ जाओ सर, ये अपुन कह रही है, कोई यहाँ मनमानी नहीं कर सकता। हाँ चल बे, चलो चलते हैं। हाँ सॉरी बेटा। हाय वेंकट। हाँ हाँ, आज रात 11 बजे आया। नथिंग मच, ऑफिशियल प्रोसीजर्स। आज मैं ऑफिस में चार्ज लेने वाला हूँ, इस वक्त मैं ठेकीनांदू मैदान की तरफ राउंड पर हूँ। सच कहूँ तो भगवान की रखवाली के बाद कुछ नया काम मिला है एज अ सिटी पुलिस कमिश्नर। कंट्रोल P6, कंट्रोल P6, कंट्रोल आंसरिंग, जिसका मर्डर हुआ उसका नाम जॉर्ज। हे वेंकट, कैन आई कॉल यू बैक? वो एक सरकारी कर्मचारी था और त्रिशूर में सब रजिस्ट्रार था, शहर के SI निकल चुके हैं, कंट्रोल रूम से DYSP भी निकल चुके हैं। कंट्रोल रूम कमिश्नर। सर, एंटी क्राइम ब्रांच से कुमार। अपडेट क्या है? शुरुआत छोटी सी कहा सुनी से हुई और बड़ा इशू बन गया। सर मेरा नाम आनंद है। हमें एक आदमी का पर्स मिला है जो उन गुंडों के साथ था। गुड। उसकी शिनाख्त दुकान वाले ने की है। ओके। सर, सैम, पुलिस सर्जन। टेल मी। सर ये किसी शातिर इंसान ने किया है, खून की एक भी बूंद कहीं नहीं गिरी, एक बार में ही हत्या कर दी गई। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ सर, ये हथियार आमतौर पे चोर उचक्के इस्तेमाल करते हैं सर, इसे पेन नाइफ कहते हैं। ये एक आम पेन की तरह दिखती है, ये हथियार पेन की निब जैसे दिखता है। सीने के बहुत ही करीब लाकर हमला किया गया सर, इतनी दूर से। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इसकी मौत हो गई। सो दिस इज नॉट अ नेचुरल इंसिडेंट? जी बिल्कुल नहीं। सर टाउन इससे बताइए, जिस गुंडे का ये वॉलेट है हमें उसका पता लगा लिया है। गुड। एनी अदर इन्फॉर्मेशन? सर हम डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये आदमी सब रजिस्ट्रार था? हाँ सर, वो हमेशा यहाँ चाय पीने आते थे। पीछे, पीछे। ये घटना तब हुई जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हुए थे। प्लीज पीछे पीछे। यू ऑल मीट मी इन द ऑफिस। सर सर
प्लीज पीछे रहिए सर। पहले ये गिरी के साथ काम करता था, जो पहले हवाला का काम करता था। सर ये गिरी कुछ दिनों से एक्टिव नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे। हवाला के केस? सर यहाँ पे एक वकील है, बहुत ही काबिल और सीनियर है, राजलक्ष्मी। ये वही है जिन्होंने गिरी को बचा रखा है, उसे कई बार हमने अरेस्ट किया है, उसके बाद उसका नाम गुंडों के लिस्ट में आ गया। राजलक्ष्मी ने अगर एक बार काला कोट पहन लिया तो जज भी कुछ नहीं कर पाता। सर राजलक्ष्मी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है सर, और यहाँ के जज भी उसके जूनियर रह चुके हैं इसलिए। सर जब ये यहाँ आया था तो काफी छोटा था, वो गिरी ही है जिसने इसे पढ़ाया लिखाया। सर हमारी इंक्वायरी से पता लगा है कि गिरी ने इससे कभी हवाला का काम नहीं कराया, ये गिरी की वाटर कंपनी के अकाउंट्स देखता था। पर गवाहों की माने तो ये भी इस केस में शामिल था। एनीवेज ब्रिंग द बॉय। जज ने काम नहीं किया या एक वकील ने उसे बचाया, ये हम पुलिस वालों पर निर्भर करता है। लेट्स सी। अरे मुर्गन थोड़ी शक्कर ज्यादा डालना। अब रात में तुम दुकान नहीं खोलते क्या? नहीं सर, जब से मेरा बेटा मरा है तब से मैं और मेरी पत्नी ही बचे हैं, अब किसके लिए कमाऊं सर? वैसे भी सड़क किनारे रात में काम करना खतरनाक है। क्या हुआ सैयद, कैसा चल रहा है? कमिश्नर ने कनन को अरेस्ट करने के लिए बोला है, गिरी के साथ उसका नवाने से प्रॉब्लम हो गई है। पर पुलिस वालों को पता नहीं कि वो सारे काम धंधे बंद कर चुका है? मैडम इस स्थिति में कोई विश्वास नहीं करेगा, ये छोटा मोटा नहीं सब रजिस्ट्रार का मर्डर है। स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, थ्रिसूर के प्रसिद्ध गैंग लीडर का आदमी उस गुंडे के साथ। ये कमिश्नर मूर्ति कैसा है? जब से वो दिल्ली से आए हैं उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली, और वो एंटी क्राइम स्क्वाड वाला जो आनंद है वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है, वो वैसे भी गिरी से बहुत चिढ़ता है। मैडम चाय लेंगे? नहीं नहीं मैंने अभी अभी पी। मैडम हम उसे आराम से ढूंढ लेंगे, वो गणेशपुरी के मंगलम कॉलोनी में रहता है, सुपारी का काम करने वाला सबरन नाम का एक आदमी वहाँ आया था, वो उसी का बेटा है। श्याम रंगन का हवाला आया है, हमारे कॉर्पोरेशन स्टेडियम के पास ही उसकी 5 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई डिस्प्यूट काफी दिनों से चल रहा है। बालन उस जमीन के डिटेल्स पेपर मंगवा। Yeah, I understand, man. हमारी टाइमिंग और काम दोनों बेस्ट होता है, पर पता नहीं कहां से वो बीच में आ गया। Anyway, I'll call you back. सुदीप भाई, ये कोई अनजान आदमी नहीं है, ये अपने गिरी का ही छोकरा है। अपना गिरी? अपना गिरी मतलब आपका चाचा का लड़का है क्या? गुस्सा मत हो सुदीप, उस लड़के का वॉलेट वहाँ पाया गया, कमिश्नर उसे पकड़ कर इसे इस केस का मुजरिम साबित करना चाहता है। उसे पकड़ने तो दो, काम होने के बाद कल ही मैंने अपने आदमी को वहाँ पे भेज दिया। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ तुम गिरी को अच्छी तरह जानते हो, आज तक उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस या केसेस लगे हैं कोई ना कोई उसका सगा संबंधी निकल ही आता है, और इस बार उसका पक्का दोस्त प्रॉब्लम में आ गया है। मुंह बंद करो अपना, त्रिशूर में हमारा कोई छोटा मोटा काम नहीं है समझे। सुबह 12:30 के फ्लाइट से दुबई के लिए निकलेगा। दुबई हो या कोई और जगह हो, उसे थ्रिसूर जिले का बॉर्डर तो पार करना ही होगा ना। Thank you.
अरे ये कोई अनजान आदमी नहीं है, गिरी है ये, बहुत ही खतरनाक है। तो क्या हथियार निकालो। क्या हो भाई? हाँ सुबीन कौन है? जल्दी बताओ काम क्या है, हमें जाना है, देर हो रही है। तुम जा सकते हो, पहले मुझे सुबीन के बारे में बता दो, फिर आराम से चले जाना। अगर मैं ही हूं तो बेटा इन खिलौनों का इस्तेमाल तो मैं बचपन में किया करता था। अगर दोबारा यहां ऐसा काम करने की कोशिश की तो थिरुपुरम की यात्रा तुम्हारे सीने से होके जाएगी। सुग्रीव इसे कार में डाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस जमीन पे टोटल 35 लोगों का हक है, उनमें से कुछ लोग मर चुके हैं, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं। जिस जॉर्ज की हत्या हुई है वो इनके रिश्तेदारों को हक दिलवाना चाहते हैं, और उसी वजह से साहब अपने वो श्याम रंगन के 100 करोड़ का काम रुक गया था सर। 100 करोड़ तो मीडिया को बिना भनक लगे उस टी शॉप आर्गुमेंट से काम हो गया होगा, राइट? सर ये डीलिंग बेनामी है, कोई बाहर की पार्टी है। श्याम रंगम तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट क्लू नहीं है सर। हाँ। और उसकी बैलेंस शीट भी पकी रहती है सर। एनीवेज आस्क बोथ ऑफ देम टू कम, श्याम रंगम एंड गिरी। सर गिरी और उसके लड़कों का कोई हाथ नहीं है? मुझे लगता है कि है सर। मुझे लगता है कि क्या हुआ सैयद, सेंटिमेंटल हो रहे हो? सैयद भाई की डायरेक्ट डील गिरी से है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, सभी गायब हो जाते हैं सर। स्क्वाड इतनी काबिल होती तो तुम ऑफिसर होते। सर हम अपराधी तक तभी पहुंच पाए क्योंकि ग्रीक आदमी इस केस के बीच में आ गया, उसे जाने दीजिए सर। अगर हमारे बीच कोई ऐसा नहीं है जो श्याम रंगम की जानकारी के बिना उस तक पहुंच जाए तो कोई और होगा। आस्क बोथ ऑफ देम टू कम। सर श्याम रंगम अभी शहर में नहीं है, उसका छोटा भाई उसके सारे काम देखता है। ठीक है साफ नहीं है तो सपोले को ही बुला। सर सर सुदीप रंगम हो तुम? यस सर। श्याम रंगम कहाँ मिलेंगे? दुबई में है सर। तुमसे ये कहना था तुम्हारा जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसे तुम्हें अब बंद कर देना चाहिए। कौन सा प्रोजेक्ट सर, मैं समझा नहीं। सुदीप तुम्हें सब पता है और पुलिस को भी, मैंने काम रोकने को कहा तो रोक दो। और इस रजिस्ट्रार का मर्डर केस, किसी ने गुनाह किया इसलिए फाइल अभी क्लोज नहीं हो सकती है। हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। सर हमने यहाँ छोटे से काम से शुरुआत की, एक एक सीढ़ी चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। बिजनेस में कभी कभी गलत काम करने पड़ते हैं, अगर हमें मजबूर किया जाता है। अब आप जिस रास्ते से डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो रास्ता शायद जल्दी ही बंद करना होगा। चाय कॉफी? नो 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 थैंक यू। तुम्हें पता है सुदीप तुम अभी कहां बैठे हो? यह थ्रिसूर सिटी का कमिश्नर ऑफिस है। तुम्हारे बाप का पतालम बाजार नहीं है जहां वो कचरे का धंधा करता फिरता है। यहां जो कुछ भी हुआ पुलिस को उसके बारे में सब पता है। फॉर व्हाट एंड व्हाई? पर फिलहाल तो हम इसे पेंडिंग में रख रहे हैं टिल द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। सो टिल देन जब भी तुम इधर उधर अपने काम से जाओगे मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। ओके सर। तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात हो तो बता देना, थ्रिसूर बॉर्डर को पार करने की वो सोचे भी नहीं। सर
आपने जो कहानी सुनाई वो सही है, वही हमारा आधार है, मैं मानता हूँ। आप जैसे बहुत से दबंग यहाँ आए और चले गए, फिर भी हम वही के वही खड़े हैं। चलो देखते हैं सर, यहाँ से निकलने के बाद हम बात करने की स्थिति में रहते हैं या नहीं। तुम्हारे किसी केस की सुनवाई अभी बाकी है, यहाँ एक एलपी वारंट भी तुम्हारे नाम है। एक केस सन 2006 में हुआ था, जिसे मैं एक साल तक लड़ा और रिहा भी हो गया। अब मैं कुछ नहीं जानता सर। तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए ना, बैठो ना। थैंक यू। 3 साल की बच्ची भी है सर मेरी। जैसे सवाल करूंगा वैसे ही जवाब देना तुम, मुझे गुंडागर्दी पसंद नहीं। सुधरना चाहोगे तो पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। पता है, सैयद भाई मेरी बहुत मदद करते हैं। ए, सुना नहीं सर ने क्या कहा? औकात में रहो तो अच्छा होगा। हीरोगिरी बनकर फिर से काम शुरू किया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, समझा? आनंद, रिलैक्स। जी सर। मैं जानबूझ के किसी से नहीं उलझता हूं सर। और अगर कोई मुझसे उलझता है तो घर जाके आराम से खा के सो जाने की आदत नहीं है मेरी। मुझे कोई चोट पहुंचाता है तो मैं उसे ठोक देता हूं, वो भी उसके घर जाके। चलता हूं सर। Hey, मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ दस्तखत करने जाना है मुझे। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, अब क्या दिक्कत है? अरे चाचा, नहीं नहीं, चाय बनाओ। भूला नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुर्गन भाई की दुकान पे हूँ। हाँ, आते वक्त लेके आऊंगा। कोई बात नहीं है, चलो रखो। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ ठीक है। वेणी को पता चल गया क्या? तभी तो बार बार फोन कर रही है वो। ये सब इसकी वजह से हुआ है? ये सब सिर्फ एक फोन की वजह से नहीं हुआ। मनोजी भाई की जिंदगी में भाभी को आए 4 साल हो गए। अच्छा, शादी की सालगिरह है? हाँ भाई है। हाथ पैर बंधे हुए 4 साल हो गए। क्या हुआ, बोर हो रहा है? जा जाके उसे भी बता दे, वो कील बना के दीवार पे गाड़ देगी तुझे। ए, अगर दोबारा तू काम के बीच में आया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? गिरी भाई, गलती से बीच में आ गया। मैंने तो उस आदमी से सिर्फ बात की थी। वो मॉडल बॉयज कॉलेज में मेरा सीनियर था। जब मैंने उसे काफी दिन के बाद देखा तो मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं। तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। गिरी भाई, उसने सिर्फ इससे हाल पूछा, चाल नहीं, इसलिए इसे कमिश्नर ऑफिस में बुलाकर 4 चाटे लगाए गए। स्ट्रॉन्ग चाय दो। अबे, तुझे लाइट चाय पीनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अभी पिएगा तो शाम में क्या पिएगा? गिरी भाई, आपको सतर्क रहना चाहिए। परिवार ही सब कुछ है, बस किसी को कुछ खोकर समझ में आता है और किसी को बिना खोए। मुझे तब समझ में आया जब मेरा बेटा चला गया। मुर्गन भाई, उस केस का क्या हुआ? उस केस का क्या होगा गिरी, पुलिस वालों ने एक्सीडेंट का नाम दे दिया बस। वो मुझसे कार के बारे में पूछ रहे थे, वो एक महंगी कार थी, मुझे उसके बारे में क्या पता होगा, पर मैं उस कार चलाने वाले का चेहरा कभी नहीं भूल सकता। तुम ये चिप्स भाभी को गिफ्ट करोगे क्या? बेनी बेटा। बालन भाई, आप जल्दी आ गए? हाँ आ गया। वो कहाँ है? वो उधर बेटी के साथ खेल रहे हैं। ओ। दिशु। अब पापा की बारी। दिशु। अरे वाह, तो तुम यहाँ खेल रही हो?
अच्छा बेटी, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैं तो अभी छोटी हूँ, कॉलेज कैसे जाऊंगी? और तुम दिमाग से तो कॉलेज गर्ल लगती हो। मार दो इन्हें। आई मां, मर गया। ओ भाई, तुम्हारा फोन पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। इसी ने मेरा फोन पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। एए, मेरा फोन कहाँ है? नहीं पता। अच्छा सुनो, उस झगड़े को लेकर शहर में चर्चा होने लगी है। कुछ लोग जले पर नमक डालने का काम कर रहे हैं। आजकल लोग दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, पर बात बढ़ गई है। अच्छा, वो कुराटी वाले लोड का क्या हुआ? तो पहले ही निकल चुका है। अच्छा, पकड़ो इसे। मुझे सुसु जाना है। चलो माँ के पास जाओ। इसी के लिए तुझे माँ की याद आती, बाकी सबके लिए पापा है। तुम अच्छे से ये काम नहीं करती हो ना। चाय पीना? हाँ, पी लूंगा। आप चाय पीजिए, मैं नहा के आता हूँ। बेड़ी चाय पिलाना इन्हें। हाँ बैठिए ना। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ चाय से क्या होगा? हाँ चलो। फोन छोड़ो। उन्हें दो। नहीं नहीं, बस हो गया मेरा। आप यही चाहते हैं कि इन्हें फिर से पकड़कर पुलिस स्टेशन में डाल देना चाहिए। दूध पियो। अभी भी इसका दिमाग गरम है। गिरी, आप जल्दी आना। ओके। माँ ने सबको सिखा दिया है। दूध पी लो बेटा। क्या हुआ, दिमाग क्यों गर्म है इतना? कुछ नहीं, मैंने कहा था ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान मत हो। कह रहा हूँ ना कि कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हंस दो। अपने सारे दांत दिखा के हंसो ना। भालन भाई यही है। फिर हम इस बच्ची को कहाँ से लाए? तुम राशन की दुकान से लाई हो क्या? बड़ी जल्दी आ गया। वो कबीर भाई ने सामान पहुंचाने से मना कर दिया। अगर माल नहीं चाहिए तो ठीक है, मामला खत्म समझो, भाड़ में जाओ। इन लोगों को अचानक पानी क्यों नहीं चाहिए? ऐसा लगता है जैसे अब उनके ऑफिस में गुंडों का आना बंद हो गया है। देखा, बेकार लोग हैं। अपना मुंह बंद रख। तो बार में जाकर चाय पिए क्या? अली भाई, मैं इसके साथ अगर चाय पीने नहीं गया ना तो ये मुझे जान से मार देगा। हाँ। अरे तू अपनी बकवास बंद कर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये महीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करें? अब अगर कोई भी गलती हुई तो हमारी जिंदगी बर्बाद, पर हम लड़ेंगे। अरे सुग्रीव, सारा माल वापस आ गया। टेंशन की बात नहीं है कोड़ी, ऐसा लगता है कुत्तों का शिकार करने का मौका मिलने वाला है। ए सुग्री, इधर आ। और ये, अरे ये बोरियन है ना, ये यहाँ क्यों आया? बोरियन? हाँ, इसने उस आदमी को पकड़वाने में हमारी मदद की थी भाई, जो फटफटी स्कूटर से आया था। ओ, समझ गया। वरना उसकी टिपे में कोई नहीं देता, इसी ने दी थी। बात करता हूँ इससे, क्या चाहिए? हाँ क्या हुआ? बालन भाई, ये बड़ी समस्या में है। ये एक लड़की से प्यार करता है, पर लड़की के भाई ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। अरे तो इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? राजक्कड़ में मेरे चाचा का घर है, इसलिए वहाँ जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए। क्या सोच के आए हो तुम यहाँ पे? मैं यहाँ गाड़ी बेचता हूँ क्या? वो आपका रिश्तेदार है ना, पट्टी काड़ू वाला अरुण। हाँ तो उसका ट्रेवल का बिजनेस है, अगर आप उसे फोन कर दें तो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। बालन भाई, अब हमें कोई नया बवाल नहीं चाहिए। चिंता की बात नहीं, मैं इन लड़कों को जानता हूँ। मेरी बात सुनो, जब भी कुछ करता हूँ बवाल खड़ा हो जाता है। तुम सीधा सीधा एक काम करो, जाओ यहाँ से। प्लीज बालन भाई, हमारी बात मान लो ना, हमारी मजबूरी समझो। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है बालन भाई। सारा माल ठीक से रख। अबे जल्दी करो, सारा माल लोड करना है। हाँ रख तो। सनमुगम, पैक हो गया क्या? सारा पैक कर दिया। वो सोने के बक्से कहाँ? वाला बक्सा अलग रख दिया है। काफी कीमती सामान है, ठीक से पहुंचा देना। जी मैं, ठीक है। तुम्हारे साथ और कौन है? बस हम दोनों ही। तो संभाल कर, अब बंद करो इसे। कमरिया ए चुप करना, मूड बना रहा हूँ यार। अरे ये क्या है? पता नहीं, वाइपर चालू करो। अरे ब्रेक मारो। भाई
हुआ भाई? क्या हुआ? मार दिया रे। बात ध्यान से सुनो माँ, गैस एजेंसी का नंबर एजेंसी के नाम से फीड किया हुआ है फोन में। सर, हाँ, उन्हें फोन करो माँ, ठीक है? मदुरई से सीए धरन आपसे मिलने आए हैं। चीफ मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं। ये अर्जेंट मैटर है सर। कम, चलो आ जाओ। हाल ही में मदुरई में एक गैंग ने लूट को अंजाम दिया है सर। जब हमने छानबीन की तो लूट में इस्तेमाल हुई कार का नंबर प्लेट हमें मिला सर, उस पर केरला का रजिस्ट्रेशन है। फिर जब हमने पता किया तो हमें एक आदमी का एड्रेस मिला और वो एड्रेस सर चलाकुंडी गांव के पास का ही है। सर, एक सेकंड। हाँ, ले आओ। अच्छे से सेवा हुई है इसकी? इंस्पेक्टर दिनेश ने पकड़ा है सर। सर, ये ज्यादा शाना बन रहा था इसलिए मैंने दो दिन लगा दिए सर। व्हाट्स नेक्स्ट? इसने बताया ये वहां ड्राइविंग करता था। सच है ये? नहीं सर, मैं बेटा में गाड़ी चलाता हूँ सर। कुछ लोग वहाँ आए और मुझसे शराब मांगने लगे और मुझे दुकान तक छोड़ने को कहा। मैं एक ड्राइवर हूँ इसलिए जाने के लिए कह दिया साहब। सीधा मदुरई पहुँचने के बाद उन लोगों ने होटल में कमरा लिया सर। उनके पास आईडी प्रूफ भी नहीं थे इसलिए उनकी मदद के लिए मैंने अपना लाइसेंस दे दिया साहब। शाम को मैंने उन्हें कार में कहीं जाते हुए देखा पर मुझे नहीं पता था वो कहाँ और क्यों गए। अगले दिन मैंने कार देखी तो उसका पिछला दरवाजा टूटा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम वापस चले जाओ और कार को गैरेज में डाल देना और फिर तुम दूसरी कार लेकर वापस आ जाना। मैं दूसरी कार दिया और इसके अलावा कुछ नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है सर। कौन से वर्कशॉप में तुमने कार दी थी? ये शीजू कौन है यहाँ? मैं हूँ। बाहर आ, तेरे से बात करनी है। क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं रे, वहाँ जो गाड़ी खड़ी है ना वो कमीशन ऑफिस से आई है। और नारियल पानी पिएगा? नहीं, रहने दो सर। अरे पी ले, जेल में नारियल पानी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं चाहिए? अरे एक नारियल पानी पैक कर देना भाई। शीजू, तू इसे जानता है क्या? नहीं सर। नहीं जानता? नहीं। भाई मैं इनोवा कार देकर सेंट्रो कार ले गया था, याद आया? मैं वही था भाई। हाँ, याद आया। चलो याद आ गया। सुन, वो कार किसकी थी? वो साउथ एक्स के किसी अरुण चेतन ने वो कार रेंट पे लिया था। अरुण चेतन? हाँ सर, हो सकता है बटोली के वालन से जुड़ा हो ये केस। क्या हुआ गिरी भाई? मैंने उन्हें देखते ही आपसे कहा था कि अब हमें कोई नया बवाल नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ? उनके बारे में आपको कुछ पता है? मैं उन लड़कों को कुछ दिनों से जानता था। जब से मैंने उसे देखा मैं उसे पोडियन कह के बुलाता था, पर यकीन नहीं होता वो इतना बड़ा चालबाज निकलेगा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कितने करोड़ों का सोना लूटा गया है, उस वजह से मुश्किलें हमारी बढ़ गई हैं। ए, पहले हमें उनके बारे में डिटेल्स निकालनी होगी। बालन, अपना फोन स्विच ऑफ कर। हाँ। अली, तुम बाहर कहीं मत जाना। आप मेरे पिता के समान हैं, नहीं तो मैं आपको यहीं मार देता। आइए वकील मैडम। ये सब करने से पहले सोचा क्यों नहीं मैंने? सत्यानाश। अरे बंद करके रखो ना उसे, सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? हाँ बोलो। हाँ ओके भाई, जिसकी आप बात कर रहे थे उसका नाम बीनू है क्या? चक्का मुकल मंदिर के पास वो एक अपार्टमेंट बना रहा है ना, ये वही जगह है जहाँ ये सभी बेवड़े रहते हैं, वो भी वही है। चलो। अबे चलना, चल देख क्या रहा है।
ये क्या कर रहा है? काट देंगे। जो किसको काट दोगे? तो यहाँ और क्या कर रहे हैं? तुम दोनों यहीं रुको, मैं उनके कान पकड़ के बाहर लेके आता हूँ। अंदर आ किसे? गधा, चींटी को मारने तलवार लेके आया है। अरे पत्ता फेंकना। हाँ। ए बोडियन। अब अरे बालन भाई, क्या भाई क्या हाल है? एक छोटी पैक बनाऊं क्या? ए, अरे तुम लोगों ने बालन भाई को नहीं पहचाना? अच्छा पता है किसने उस आदमी का स्केच देकर सुबीन को यहाँ से निकलने में मदद की? अरे इसी बालन बुड्ढे ने। अच्छा बता तू यहाँ क्यों आया? हो सकता है कोई स्कीम लेके आया हो। क्यों रे बुड्ढे? अबे पिल्ले, जब तू अपनी माँ की कोख में था ना, तब से मैं खेल खेलता आ रहा हूँ। मुझसे शान पट्टी करने की कोशिश मत करना, बच्चा है वहीं रहे। हाँ देख पोड़ियन, इधर आ मेरे साथ। यहाँ से कार ले जाके तूने उसका क्या क्या किया? हाँ तेरे चक्कर में मैं फंस गया हूँ। अगर तुमने कल सेंडर नहीं किया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। ऐसा है कि तुम यहाँ आकर फंसे नहीं, तुम्हें यहाँ लाकर फंसाया गया है बालन भाई। ए, अब यहाँ गुंडागर्दी तुम्हारे जमाने वाली नहीं होती है, अब दुश्मनी का बदला तुरंत लिया जाता है। अगर हमने तुम्हें फंसाया है तो तुम भी यहाँ के फंस गए हो, लेकिन खेल का अंत कुछ अलग। सुना ना, अब यहाँ पर टाइम बर्बाद मत करो, निकल जाओ नहीं तो ये लड़के खत्म कर देंगे। ए, 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 ए बुड्ढे। शे, हथियार लाना भी बेकार गया। तुमने मेरा 100 करोड़ का टाउनशिप का सपना तोड़ा है। तेरा अंत नजदीक आ गया, अब तू 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 बचेगा नहीं, मेरे बच्चों को पता चला तो। कहाँ हो तुम लोग? चल भाग।
उधर से। गिरी भाई, हमारे बालन भाई को उन लोगों ने मार डाला, वो अब नहीं रहे। कोड़ी, इसे हॉस्पिटल ले जा। ये देखिए सर, ये बहुत ही खतरनाक नशा है। ये बिल्डिंग है किसकी? सर, इसके 5 मालिक हैं। अभी सबने एक दूसरे पे केस किया है। सर, इसमें कई प्रॉब्लम है। ये करीब 3-4 सालों से ऐसा होता आ रहा है। सर, सर,
देरी क्यों हो रही? कोई देरी नहीं है सर, जल्दी करो, बॉडी ले जा रहे हैं। बॉडी ले जाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए सर। अपना बाला भाई जा रहा है पर तुम उसे देख भी नहीं रहे हो। चलिए आप लोग पिछड़िए। कमी है। तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसी है? फुटबॉल खेलते समय गिर गया था सर। लेट्स गो। बच्ची सो गई? हाँ। बालन भाई की बेटी को यहाँ ले आते हैं, वो वहाँ अकेली रह गई है। अभी लाना ठीक नहीं है, बाद में ले आएंगे। तुम लोग बारिश में कहाँ से भीग के आ रहे हो? बालन भाई के घर से आ रहे हैं। इन्हें टॉवल दो। तुम अंदर जाओ। जा। वो शहर में ही है, पर क्या हमें अभी कुछ करना चाहिए? इसके लिए भी चाय ले आओ। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमें मौके का फायदा उठाना ही होगा। चल बता, कितने आदमी थे? सर मुझे नहीं पता है। कितने लोगों को लाए? चार लोग हैं सर। ये दुकान से भागने की फिराक में थे सर। दुकान वाले ने हमें फोन करके बताया, वहां जाके देखा तो सोरों को मारने के लिए फटाके जला रहे थे। सर ऐसा लगता है जैसे सुदीप रंगम पर हमले की योजना बनाई गई थी। आज बालन को मरे हुए 16 दिन हो चुके हैं सर। इस बालन और गिरी के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था सर। मदुराई की लूट में बालन भी शामिल था, ऐसी हिंट मिली है सर। और ये गिरी जब बदला लेने की ठान लेता है तो पीछे नहीं हटता है। सर गिरा एक गाड़ी आई और 3 बजे यहाँ रुकी, और ठीक उसी बीच उन लोगों में से किसी का फोन बजा होगा। उन लोगों ने गाड़ी पे पटाखे फेंके जिससे एक धमाका हुआ, फिर पीछे से एक दूसरा आदमी भी वहां गया। इन्हीं सबके बीच वो लोग उसे मारना चाहते थे। तो ठीक है, अब उनके प्लान के हिसाब से हम चलेंगे। We'll monitor them and take appropriate action. All right, sir. कुमार, सर, सुदीप रंगन के लिए हमला है, be extra careful. Okay. वो मरना नहीं चाहिए, गैंग वार के लिए इतना काफी होगा। जी सर। And keep it confidential. आनंद को भी पता नहीं। Sure, सर। तुम लोग यहीं रुको। जी सर। ये अकाउंट तो सिर्फ 85 लोगों का है। सर आप यहाँ कैसे? नथिंग, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा गिरी का सेटअप देखता चलता हूँ। गुड। कुल कितने स्टाफ हैं? लगभग 95 लोगों का। सर जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे यहाँ का पानी का सोर्स कहाँ पर है? सर वो फोन कट करो। यहाँ पे 3 कुएं हैं, उन्हीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है। तिसुर में भी सप्लाई होती है? ले लो, लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। हम्म,
बोलो भाई। हमने उसके फोन पर रिंग किया लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम लोग वहीं रुको। तो क्या कह रहे थे सर आप? थिसुर में भी सप्लाई करते हो या? हाँ, अब तो शहर में ही होती है। बोलो। हमारा शिकार वहाँ है, वो पटाखे काम नहीं आए। तुम सीधा भी बात कर सकते हो। सीधा? क्या सीधे उस पे हमला कर दें? बेशक तुम कर सकते हो, सीधा उसे पहुंचा दो। ठीक है, सीधा ठोक देते हैं। पानी की बात थी। व्हाट? पानी के जार की और कुछ नहीं। पानी का जार? बिना डॉक्यूमेंट के तुम्हें मैंने इतना माल दिया और तुम? गाड़ी स्टार्ट कर। तेरी तो अबे चल चल जल्दी निकल, जल्दी कर, आजा आजा। हेलो सर, उनका अटैक मिस हो गया, पीछा करूं? जरूरत नहीं है, गिरी मेरे सामने इस वक्त। हाँ सुदीप, सारी बातें बड़े भैया को बता देते हैं। अरे चुप कर भाई, थ्रिसुर फोर्ट पे हम पे हमला हुआ, वो अपना एरिया था। अगर वो हमें थ्रिसुर फोर्ट पे हमला कर सकते तो वो कहीं भी हमला कर सकते। मुंह बंद करेगा। अरे कार तेज चलाओ यार, रुक 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 रुक, दाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं मुड़, वो वहां पे दाएं मुड़। भाई कार बदल देते हैं। ए बेवकूफ जैसे बात मत कर, रिस्क है, उन्हें हमारी कार के बारे में पता चल चुका है। रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी करो, इसमें बैठो। क्या इसमें? भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम बैठो, तू कार लेके जा, तू भी साथ में जा, पल्लीकुलम की तरफ चलो, बाकी बात बाद में बताता हूँ। यस कुमार। सर क्या गिरी आपके साथ है? नहीं, उसे छोड़ दिया, बट डोंट वरी, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ था। सर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं, नॉर्मली वो पहले उन्हीं लोगों से काम करवाएगा। कातिल हमेशा उसके संपर्क में रहते हैं। What do you mean? स्केच पूरे शहर में फैल चुका है। वो अपने लड़कों से ये काम नहीं करवाएगा सर, वो सामने से उसे मारेगा, फेस टू फेस। सुदीप मेरी बात सुनो, समझने की। कहा ना बकवास बंद कर, भाई को अगर पता चला मुझ पे ऐसा अटैक कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं मार खाऊंगा। ओह ठीक है, मैं फोन करता हूं, वरना तू बकबक करता रहेगा। हेलो। क्या? प्लीज कॉल हिम। नो आई नीड टू टॉक टू हिम, इट्स अर्जेंट। ओके वेट। क्या? हेलो लेट्स कॉल फॉर यू। हाँ बोलो सुदेव।
कोई उम्मीद नहीं है सर, अगर आप सहमति दें तो हम इन्हें वेंटिलेटर से बाहर कर दें। नो, मैं बताता हूं। श्याम भाई, गिरी और उसके आदमी कल सीधा कोर्ट में सरेंडर की सोच रहे हैं और हमने पता लगा लिया कि वो अभी कहां है। अटैक कर दें? नहीं। श्याम भाई, गिरी हमेशा से यही करता आया है, सीधा कोर्ट में हाजिर हो जाता है। जब सब नॉर्मल हो जाता है तो राजलक्ष्मी उसकी बेल करा देती है। अभी उसे खेलने दो वकील, बाद में हम खेलेंगे। दिन दहाड़े सभी लोगों के सामने सुदीप रंगन जिस ऑटो में था, गिरी ने उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब की दलीलों में थोड़ी सी गलती है योर ऑनर। गिरी ने नहीं उड़ाया, ऑटो से सुदीप का एक्सीडेंट हुआ। यहां तक कि मेरा क्लाइंट वहां से भागा नहीं, वहीं रुका रहा, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने सुदीप की मदद करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गंभीर चोट की वजह से सुदीप रंगन अभी कोमा में है। उसके सिर पर लगी चोट किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई, गवाहों के मुताबिक उसके सिर पर हमला किया गया था। मैं उन गवाहों को कोर्ट में बुलाने का आदेश चाहूंगा योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। पहला विटनेस कुन्नत चंद्रन। विटनेस है क्या? नाम है तुम्हारा? चंद्रन कुन्नट्टू। क्या काम करते हो? मुर्गियों को दाना सप्लाई करता हो, दुकानों को भी सप्लाई करता हो। तुमने पुलिस को अपना बयान दिया था कि इस गिरी ने सुदीप के सिर पर वार किया था, जो ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट की वजह से घायल सड़क पर पड़ा हुआ था। क्या ये वही है जिसे तुमने घटना स्थल पर देखा था? क्या हुआ, कुछ बोलोगे? मैंने इन्हें उनके पास जाते हुए देखा। फिर बोलो। पर जैसा मैडम ने कहा, शायद ये उसे वहां बचाने गए थे। हैं? हाँ, बचाने ही गए थे, ऐसा ही था सर। अरे, पुलिस को तुमने कुछ और स्टेटमेंट दिया था? सर, काम से लौटते वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मैं नशे में था सर। जब पुलिस वाले ने पूछा तो मैंने डर के मारे कुछ भी बोल दिया सर, और कुछ नहीं जानता सर। मेरे क्लाइंट गिरी और सुदीप रंगम के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है योर ऑनर। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो दुर्भाग्य से मेरे क्लाइंट के हाथों हुआ। इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मेरा क्लाइंट बिल्कुल बेगुनाह है। परिस्थितियों के अनुसार विटनेस का बयान भी अधूरा है, इसलिए मैं कोर्ट से अनुरोध करती हूँ कि मेरे क्लाइंट की बेल को मंजूरी दी जाए। मी लॉर्ड, थैंक यू योर ऑनर। सबूतों की कमी और गवाहों के स्टेटमेंट देखते हुए ये कोर्ट गिरी की बेल मंजूर करती है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति के पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं मानती है, इसलिए ये कोर्ट इस शहर के कमिश्नर को आदेश देती है इस केस की छानबीन नए तरीके से की जाए और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक हर हफ्ते अपराधी को कमिश्नर के ऑफिस में हाजिरी देनी होगी। बेल इसी आधार पर दी जा रही है। मैं बाहर हूँ। उससे बात हुई थी, उसने बताया। क्या हुआ, वो आई नहीं? नहीं, उनका PSC एग्जाम है आज, वो तो वहां भी जाना नहीं चाहती थी। वकील मैडम ने उन्हें जाने के लिए कहा। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है गिरी भाई, कलेक्शन थोड़ा कम हुआ है, बाकी सब ठीक है। अभी कमिश्नर से मिलने जाना है, चलो। नमस्ते। इस आदमी का सेटलमेंट हुआ? पर अभी ये गया नहीं। क्या तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे? पागल है क्या,
हाँ सर, लेकर आओ उसे। क्या हुआ? कमिश्नर साहब से मिलकर कुछ बात करनी है। क्यों, जल्दी नहीं है क्या? लगता है यहाँ से जाने के बाद किसी और को ठोकने का प्लान है। नहीं रुको, पहले नहीं बता सकते थे? इधर आओ। पुलिस की फ्रस्ट्रेशन में अच्छी तरह समझती हूँ, पर आप अपने ऑफिस के सामने किसी को इस तरह बिठाकर नहीं रख सकते। हर इंसान के वक्त की वैल्यू है कमिश्नर। अपराधियों के वक्त की वैल्यू को पता करना मैडम पुलिस का काम नहीं है। यू मे सिट। आनंद, जरा और रजिस्टर लेकर आओ। जी सर। विटनेस को एडवांस में सेटल करने के बाद कोर्ट में आपने सुपर आर्गुमेंट दिया। आई लाइक दैट। थैंक यू। अगर किसी ने सड़क पर तुम्हें मार दिया तो पुलिस तुम्हारी लाश उठाने जरूर आएगी। सतर्क रहोगे तो अच्छा रहेगा। सर, मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ यहाँ शांति से रह रहा हूँ। सर, मेरी जिंदगी में सिर्फ यही दोनों अपने हैं, इनके अलावा मेरा कोई अपना नहीं। अगर किसी की नजर लगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा सर। क्या हुआ भाई? फोन स्विच ऑफ किया है, पता नहीं क्यों। स्विच ऑफ जा रहा है क्या? गाड़ी दे चलाओ। वो नहीं है क्या? नहीं, उसने कहा था कि पीएससी एग्जाम के बाद आने में देर होगी, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है? इसलिए मैंने फोन किया था। चलो ठीक है। ए भाई। हाँ, क्या हुआ? एग्जाम खत्म हो गया क्या? एग्जाम कब का खत्म हो गया? कितने बजे तक हुआ? लगभग 1 बजे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। यहाँ सब भाई, यहाँ एग्जाम तो 1 बजे ही खत्म हो गया था। जी मैडम। गिरी, जरा इंडोर स्टेडियम के पीछे जाना, सैयद वहीं मिलेगा। क्या हुआ सैयद भाई? एक इशू हो गया। कैसा इशू? वेणी मिसिंग है। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली तब मैंने पीएससी एग्जाम हॉल और स्कूल जंक्शन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। ये देखो, ये इधर चैन स्नैचिंग के अटेम्प्ट का केस हुआ था। इस फुटेज में वेणी उसके पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है, तभी से वो लापता है शायद। देखो ये गाड़ी दिवांची मूला रेलवे कॉलोनी के पास किसी कीरी समीर की गाड़ी है। मैंने वहां के दुकानों की सीसीटीवी फुटेज चेक की पर वेणी कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसे वकील मैडम के घर ले जाओ। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करो। जी भाई।
ए सुग्री, ज्यादा गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, अपने लड़कों को यहाँ से भगा दे। मैं जगह देखकर नहीं, इंसान का काम देखकर मारता हूँ। हाँ। चाहे तुम जो भी हो, लेकिन हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। मुझे ना तू चाहिए ना तेरी चोरी की चेन। कहाँ है वो? हम इस काम के लिए उस दिन वहां गए थे। बाय बाय। चल चल चल। वो हमारे पीछे भागे। जब हम रोड पे पहुंचे, एक ट्रेवल वैन आई और उसे उठा के ले गई। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, वहां से उन लोगों ने उसे किडनैप किया। मैंने देखा नहीं। कहां से ले गए थे? अंधकाल सोमी रोड से। अरे सुग्री, तूने यहाँ काम करने का मन बना लिया है? मामला खत्म करते हैं। ये कार बीच में खड़ी कर और फिर ए, कोई भी अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो बिना पैरों के रेंगते हुए वापस जाओगे। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? चलो भागो यहाँ से। चल मुझे दो सवालों के जवाब चाहिए। पहला, किसे अस्तु ने किडनैप किया है? वह जिंदा है या नहीं? अगर है तो कहाँ है? बस उसका स्केच मिला था, कुछ दिन हमने उसे फॉलो किया, हमारा बस इतना ही काम था। ये तो बहुत फास्ट निकला। अरे अब जाने दे, इस मैटर में उसका ज्यादा रोल नहीं है। ये छुपा छुपी का खेल मैंने ही तैयार किया है। तू एक काम कर, शाम के 6 बजे जय हिंद मार्केट आ जा, तेरी पत्नी तुझे मिल जाएगी। श्याम रंगन बोल रहा हूँ। अब तू खुश है ना? जिसे तूने मारा शायद उसके बारे में तू जानता नहीं था।
वो मेरा भाई था। अभी तो मैंने ये खेल शुरू किया है। जिस कंपनी में तू स्वच्छ पानी बनाता है ना, जल्दी वहां पहुंच। गिरी, मैं जीप लेकर जा रहा हूं। कौड़ी, ये गाड़ी उधर खड़ी कर दो। सुग्रे, क्या है ये? उन्होंने हमारी रोजी रोटी छीन ली और मैं उन्हें जाने दूं? ये नहीं हो सकता। यही सोच रहे हो ना कि वो हमारी बहन नहीं है? पर वेनी हमारी बहन से कम भी नहीं है। वो भले तुर्रम खान क्यों ना हो, मैं उसके घर में घुस कर मारूंगा। तुम अपनी बहन की हालत को देख के आग बबूला हो रहे हो, तो मेरे बारे में सोचो, मुझ पे क्या बीत रही है। अभी कुछ मत करो, वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अली, आ जाओ। एक बार मैं बचपन में खेल रही थी, वहां कई लाल चींटियां आ गई। मैंने सभी चींटियों को मार दिया। तभी मेरे पापा वहां आए, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या कर रही हो। मैंने कहा कि ये चींटियां मुझे खेलने नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है पापा ने क्या जवाब दिया? इन चींटियों का यहां आने का एक मकसद है। तुम्हारे पास चीनी है, या तो इन्हें थोड़ी चीनी दे दो, नहीं तो जहां से चींटियां आई हैं तुम वहां जाकर उन्हें मार दो, घर में घुस के मारो। मार दो। ये श्याम रंगन का खास है, ये सारे गलत धंधे करता है, ड्रग और गोल्ड का भी। और ये सारे गलत धंधे ये एक फार्मा कंपनी की आड़ में करता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, अगर वो सही है तो भारी मात्रा में गोल्ड हैदराबाद के चेतियार भेजा जाने वाला है। वो अभी कोयम्बटूर में है, जल्दी ही सारा माल लेकर निकलने की तैयारी में है। जो इसके दाएं तरफ बैठा है वो बीएमसी पार्टी के सेक्रेटरी का बेटा है, और जो बाएं तरफ बैठा है वो लॉ कमिश्नर का बेटा है। क्या तुम उन्हें वहाँ पकड़ सकते हो गिरी? Come on, Ria. Come on, Ria.
I'll just come. Hey, enjoy guys. Come girls, come on. Enjoy karo dosto. हाँ यार, नहीं मैं अभी कोयम्बटूर में हूँ। बीवी के साथ जो किया वो भूल के क्या रे तू ना कमीने। तुझे कैसे जाने दूं? ये मेरा फोन है, कॉल कट मत करना। काट दो। और सुनो, हाँ टाइपिंग करो। नो, कॉल पे बात नहीं करनी है। फेस से लॉक किया है। ए इधर देख, इधर देख, बोलो ना इधर देख। नो नो, रिप्लाई आया है। हैदराबाद से सुबह 10:30 निकलना है। इसका रिप्लाई तू करेगा। तू मुंह खोल रहा है या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? कड़ी तुझे पता इसे क्या कहते हैं? अगर हमने तेरे अंदर डाल दिया ना, जिस कमीने ने हमारी बहन की इज्जत उतारी उसे आखिर इतनी आसानी से कैसे मार दें? बोलो भाई, गेम क्या है? डन डील, वेटिंग। टाइप करो। लेकिन गेम क्या है? बहुत सारा गोल्ड था जिसे विजाग फोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला। श्याम ने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सोना निकाला, फिर इसे थ्रिसूर के गोल्ड डीलर्स को कम रेट पे बेचने का प्लान था। चीप से क्या मतलब है? कितना? टोटल 100 करोड़। उस गाड़ी में और क्या क्या सेटअप है? फुल जीपीएस ट्रैकिंग से लैस है वो कंटेनर, निपाह वायरस से भी लैस है। हैदराबाद, बेल्लोर, चेन्नई हाईवे से होकर जाएगा,
पहले कृष्णागिरी, फिर भवानी, मेट्रू डैम से होते हुए अविनाशी के करीब से हमारी टीम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। टाइप करो, डन डन डील वेटिंग। तुम लोग रेडी हो? रेडी है भाई, हमें ट्रक दिख गई है। ओके देखो तो आवाज कैसी थी। अरे झटका लगा होगा, कुछ नहीं। तुझे पता उस सोने की कीमत कितनी थी? कमीने। हेलो, गिरी बोल रहा हूं। सुबह से ही तू टेंशन में क्यों है? सीधा सीधा बात कर। तेरा खास आदमी तेजा, मैंने उसे उठा लिया है। तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है? जानता हूं, इसीलिए गेम खेल रहा हूं कि तू कौन है। जो सोना तूने पैक करने को भेजा था वो पैक हो चुका है और मैंने उसे लूट भी लिया है। तेरी धड़कने तेज नहीं हुई कमीने, अब तू मरेगा। तूने तो एक तरफ से गेम शुरू किया था, लेकिन ये लुका छुपी वाला गेम मैं नहीं खेलूंगा। तेरा सोना कल सुबह 11 बजे वायलर पहुंच जाएगा और दोपहर 2 बजे तक त्रिसुर में होगा। तब मैं तो रोक के दिखा, अब गेम खेलने में मजा आएगा। उस स्क्वाड वाले अनंत को फोन लगाओ,
उससे बोलो कि 2 बजे सोना त्रिशूर पहुंचने वाला है। पर शाम अगर ब्लायर में हम नहीं रोक पाए, कुठीरन में रोक लेंगे। सब कुछ सेट है ना? हाँ। अगर वहां भी नहीं रोक पाए, पुलिस वाला आनंद उसे पकड़ लेगा। और उसे कभी मिलना नहीं चाहिए। अब खेल खत्म करना है। इसे काटना नहीं है, हाथ खोल दे पहले इसके। सर, जैसा कि हमारा शक था, कॉलेज कार से इस घटना को अंजाम दिया गया था। हम सभी से पूछताछ कर रहे हैं, पर वो मैंगलोर टीम की तरह ही जवाब दे रहे हैं सर। कोई भी पुख्ता जवाब नहीं मिला। क्या हुआ आनंद? सर एक मिनट, कुछ जानकारी थी गोल्ड स्मगलिंग के बारे में, अगर आप मुझे तलाशी की परमिशन दे दो। सही इन्फॉर्मेशन है? हाँ हाँ सर। ओके, गो अहेड सर। चलो चलो आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी चलो चलो। हाँ चलो, डिक्की खोलो जरा। चलो जाओ तुम। रुको रुको, साइड लो साइड लो। पीछे जो गाड़ी है उसे आगे आने दो। निकलो चलो चलो चलो। रोको। हाँ लेकिन सर वो तो एम्बुलेंस है। क्या हुआ? रोको उसे। चलो आ जाओ, आने दो उसे। साइड में। हाँ चंदू, निपा वायरस लेकर। हाँ मालूम है, चलो जल्दी दरवाजा खोलो। चलो चेक सर, आप चेक कर लीजिए। ये तो ये निपा ही है। खोलो। हाँ उसे भी। अरे देख क्या रहे हो, खोलो जल्दी। वेरी गुड, चलो बॉक्स खोलो आप, जल्दी करो। स्टॉप स्टॉप, सरकारी बस है, जाने दो। चलो। सर इसे खोलना सही नहीं रहेगा। हाँ सर इसे खोलना सही नहीं रहेगा। नहीं सर, ये निपा वायरस है, इसे खोलना ठीक नहीं है। गाड़ी को उस तरफ खड़ी कर दो, बंद कर दो इसे। चलो 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 चलो, बंद करो और उधर ले जाओ, बंद करो। चेक करो इसे, चलो चलो। रोको रोको, चेक करो अंदर जाके। ओके, अरे ओके। अंदर जाके चेक करो ना। पीछे वाला डोर खोलो। अरे खोलो सर, बाईपास रोड पूरी तरह से जाम है। वो क्यों? एक सरकारी बस गलत साइड से घुस गई। पता करो बस कहां जा रही है। वो बस कहां जा रही है? कोयम्बतूर के लिए सुपरफास्ट बस है। कोयम्बतूर के लिए सुपरफास्ट बस है सर। एक काम करो,
आनंद नगर डिपो में फोन करके ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लो, जल्दी करो। ठीक है सर। सर हमने डिपो में फोन किया था, कोयम्बतूर से एर्नाकुलम जाने वाली बस अभी भी वही खड़ी है, वो कहीं नहीं गई। तो फिर ये कौन सी बस है? आ जाओ। आपने कहा इसलिए मैंने उसे जाने दिया। चेक किया ना, चलो जाओ। सर इस बस का क्या करना है? आ जाओ। सरकारी बस है। चलो। जरा बॉक्स खोलो। क्या हुआ सर, आप बस ढूंढने तो नहीं आए हैं? तुम्हारी लूट का कारनामा सुना तो मैं यहाँ चला आया। बस की कहानी सुनकर आप साबित क्या कर पाएंगे? विटनेस और एविडेंस इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बार बस का पता चल जाए फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसको हमने यहीं नीचे दफना दिया है, अब आप जा सकते हैं, सबूत लेके आइए, उसके बाद देखते हैं। जरूर मिलेंगे सर। आपने मुझे हराने की कई कोशिश की, कई तरीके भी अपनाए, पर फायदा क्या हुआ? अगर तू दोबारा मेरे परिवार या काम के बीच में आया ना, तो इस साल का जुलूस तेरे सीने से निकलेगा। समझ में आया? या दूसरा तरीका अपनाऊं? ले जाओ इसे। कैसे हो भाई? उसमें से सिर्फ मैंने अपना सोना लिया है। अगर कोई टेंशन है तो मेरे आदमी संभाल लेंगे। अरे नहीं भाई, मैं सब संभाल लूंगा, ये एहसान नहीं भूलूंगा। अब चलता हूँ। बरसात ने थेसुर को फीका कर दिया है। बरसात कितनी भी हो पर फीका नहीं पड़ेगा। मैं पुलिस स्टेशन में आपसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए यहां बुलाया। मैं वो सोना ढूंढना चाहता था, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। बस मेरे खर्च को छोड़ करके सारा सोना कार में है। अरे सुनो, सोना पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। थैंक यू। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ गिरी,
और अगर रीओपन केस हमें क्लोज करना पड़ता है तो इस रिकवरी का क्या मतलब है? होप यू अंडरस्टूड। तेजा, हे ब्रो, भाई भाई, तेजा, डॉक्टर, आर देयर एनी पॉसिबिलिटीज? नो, हमें कुछ भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। अगर किसी को रेबीज होता है तो शरीर के किसी हिस्से में कुत्ते के काटने के निशान मिलते हैं, या जब कोई कुत्ते के काफी क्लोज जाता है। We didn't get any such indications। भाई, 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 जब गिरी ने मुझे पकड़ा और मैंने उसे कहा कि मुझे छोड़ दे तो यू आर ऑल्सो सरप्राइज। उस दिन मुझे यहाँ मारा, बस यहाँ मारा भाई। ए, नहीं नहीं, अगर इंटरनल रेबीज इन्फेक्शन होता तो सनलाइट प्रभाव नहीं डालती, ये सिर्फ लो टेम्परेचर में एक्टिव होती है। भाई, 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 उस दिन मुझे छोड़ने से पहले उन लोगों ने तलवारें निकाली, एक बर्फ की गाड़ी थी, मैं अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकता था। वो गिरी, उसे छोड़ना मत श्याम भाई, उसे खत्म कर देना। गिरी भाई, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सौम्य है। इसे तो मैं जानता हूँ। मैं मार्केट की दुकान वाले साबू की बेटी हूँ। साबू की बड़ी बेटी ना? गिरी भाई, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके परिवार वाले इसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके घर क्यों नहीं गए? वो अंचेरी के जोसेफ का बेटा पॉल है ना, उसने इसे चर्च में देखा था, देखते ही ये पसंद आ गई। उसने अपने घर वालों से बात की, इसके बाप ने शादी फिक्स कर दी। आप मेरी वजह से वैसे भी परेशानी में है, आपको और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। आप इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बताया। क्या हुआ गिरी भाई? कुछ नहीं। वो पॉल एक नंबर का झगड़ालू इंसान है, अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हमें जान से मार देगा। गिरी भाई, तुम निकलो, मैं देख लूंगा। गिरी भाई, जाओ यहां से। चलो। रुक जाओ। हाँ? गाड़ी लेके जाओ गिरी भाई। चलो जाओ, चलो निकलते हैं। चलो बैठो जल्दी।
सॉरी गिरी भाई, इसने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। इतनी मुश्किल से सोना लूटा, आप अन्नदाता बनके पुलिस को दे दिए सोना, फिर हम आपकी गैंग में इतने दिन से क्यों झक मार रहे थे? आपने मुझे ऐसा करने पर क्यों मजबूर किया? हमारा रूम रेडी है? हाँ सर, आ जाओ सर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं सामने हूँ। आ जाओ। मैं नहा के आती हूँ। ओके, दैट्स गुड आइडिया।
मैं जरा एक स्मॉल मार के आता हूँ। नो, मुझे जरा गिरी भाई से कुछ काम याद आ गया। उतरना मत स्वामी, मैं अभी आता हूं। श्याम, मेरे सामने चालाकी मत करो। अरे कितने दिनों से तुम मुझे सोना देने का वादा कर रहे हो। अरे कम भाव के चक्कर में इस धंधे में उतरे थे, सोचा था कमाएंगे। मैंने इधर से कर्जा लेकर फुल पेमेंट का जुगाड़ कर लिया था। हाँ, अब इस कमाने के सीजन में हमारा धंधा बर्बाद हो रहा है। सोना दो या कैश, हमें दोनों में से कुछ तो चाहिए। देखो, अब हमारा काम प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। अरे फालतू बात कर रहे हो, हमें भी इसी शहर में रहना पड़ रहा है। पुलिस को सोना सीज किए हुए एक हफ्ते हो गए और ये बकवास कर रहा है। देखो, ये बात ठीक नहीं है, कुछ तो फैसला लेना ही होगा। ए श्याम, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें एक निश्चित तारीख बताओ। श्याम, गिरी अभी जिंदा है। विद इन 3 डेज गोल्ड या फिर कैश, जहां डील हुई माल वही मिलेगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। उस दिन गिरी को मारने का तुम्हारे पास गोल्डन चांस था। उसकी मौत पक्की किए बिना तुम्हें वहां से आना नहीं चाहिए था, जबकि अब कमिश्नर भी उसके साथ ही है। मैंने सुना है वो लड़का मारा गया जिसने गिरी को मारा था, और उसके लड़के गुस्से में भरे हुए हैं। अब कुछ दिन शांत रहो। हम पहले ही कंसाइनमेंट खो चुके हैं, इसके बारे में कभी भूलना मत। हाँ, हमें उन्हें कैश वापस करना है, और तुम्हें पता ना हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है अभी। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं उस कमीने से डर के भाग जाऊं? ऐसा नहीं है श्याम, कॉम्प्रोमाइज कर लो। खेल अब गिरी के मरने पे खत्म होगा। श्याम, हमें बिल्कुल पता नहीं कि तेजा हमारे बारे में उन्हें क्या क्या बता गया होगा। श्याम, अब हमें हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कोई और इशू नहीं उठाना चाहिए।
मैं वकील राजलक्ष्मी से बात कर लूंगा। अगर उन्होंने दोबारा फन फैलाया तो हम उनका फन कुचल देंगे अब की बार। हमें उसे मारना होगा वकील, तभी खेल खत्म होगा। कैसा चल रहा है? मैं इस समझौते को तैयार नहीं था। गिरी, हम यहाँ कोई इशू खड़े करने नहीं आए। तुम दोनों हाथ मिलाओ और अपने अपने रास्ते निकल जाओ बस। क्यों नहीं, इससे पहले क्यों ना हम दोनों साथ में चाय पिए, कड़क मलाई मार के नई शुरुआत करते हैं चाय के साथ। चाय खत्म तो सब खत्म। हाँ ठीक है। मुर्गन भाई, हाँ, सबको चाय पिलाइए। हाँ पहले उनको, वो हमारे मेहमान हैं। अब माला बन चुकी हैं। जो तेरे तस्वीर पे चढ़ेगी, अपने काले कारनामे याद कर ले, तेरे साथ वो भी खत्म। गिरी, मैं अभी जिंदा हूं।